मैं सुबह नहीं रख सकता, मेरी फाइनल की क्लास होती है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें पढ़ा था एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, उसमें प्रोबेबिलिटी दिया रहता था, एनपीवी दिया रहता था, तो उसके बदौलत हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते थे, और पूछता था कि यार रिस्क बताओ, तो हम निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर कॉन्फ्लिक्ट है किसी का एनपीवी ज्यादा है किसी का डेविएशन, तो फिर हम कोएफिशिएंट और वेरिएशन निकाल, उसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपर्ट, और सीवी ज्यादा है इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, यही पढ़ा था प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्या किया था हमने, आरएडीआर, जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है उसको डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा देते, ये भी पढ़ लिया था, सिंपल था वो। तीसरा पढ़ा था सर्टिनिटी इक्विवेलेंट, मेरे ख्याल से उसमें जो कैश फ्लो दिया रहता था सीई से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो जो कैश फ्लो निकलता था वो कौन सा, रिस्क फ्री, और उसको डिस्काउंटिंग किससे करते थे, रिस्क फ्री। चौथा लिखोगे डिसीजन ट्री। होमवर्क हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है क्लास के बाद। इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊं या कुछ एग्जांपल करूं, सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7-0, टोटल मिलाकर 2 क्वेश्चन है, डिसीजन ट्री के क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि अगर आएगा तो क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन आते थे सीए फाइनल, आपको तो 16 नंबर का आने से रहा, तो 10 नंबर का आ सकता अगर बुरा से बुरा हुआ, जो फाइनल में 16 नंबर का आता था वो आपको 10 नंबर का आएगा, 10 से ज्यादा का आता नहीं, तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्या आएगा, ठीक एक बार समझने की कोशिश करते, क्वेश्चन से ही समझेंगे। अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कितना रुपए लग रहा है, 40 लाख, आज 40 लाख लग रहा है, ठीक है, और अच्छा 40 हजार आदत हो गई ना लैक्स, और लाइफ कितनी है, 2 साल, सेलर्स वैल्यू कितना है, फर्स्ट ईयर में 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 25 हजार, और 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 30 हजार। द प्रोबेबिलिटी असाइन टू कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2, 2 ही साल का प्रोजेक्ट है, समझा के बता रहा हूं, पैसा कितना लग रहा है आज, 40 हजार, या तो पहले साल में, 2 ही साल का प्रोजेक्ट है, या तो पहले साल कितना आ सकता है, बोल रहा है 25 हजार, या तो कितना आ सकता है, 30 हजार, ये कब की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर, और 25 हजार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, और इसकी कितनी है, 0.6। अब ध्यान से समझता, ये एक्चुअली यहां ऐसा लिखा है कि अगर पहले साल 25 हजार आता है तो सेकेंड ईयर में 12 हजार भी आ सकता है, 16 हजार भी आ सकता है, 22 हजार भी आ सकता है, इट मीन्स ये प्रिंट ठीक से नहीं है, ठीक है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले साल 25 हजार आएगा, अगर पहले साल 25 कम आएगा तो दूसरे साल में भी बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा, दूसरे साल कितना कितना आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है, कितना कितना लिखा है, 12 हजार आ सकता है, या फिर 16 हजार आ सकता है, या फिर 22 हजार आ सकता है, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.2, 0.3 और 0.5, ठीक, या फिर अगर पहले साल 30 हजार आया
तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकता है? तो बोले पहले साल कितना आ सकता है, 20,000 और 25,000 और 30,000, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.4, 0.5, 0.1. इट मीन्स सेकेंड ईयर के कैश फ्लो डिपेंड किस पे करते हैं, फर्स्ट ईयर. अगर पहले साल हम ज्यादा कमाएंगे तो बिजनेस चल निकलेगा, तो दूसरे साल भी ज्यादा कमाए, यही बता रहा है. ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज करना है, 10%. सबसे पहले नंबर पे क्या काम करना है, डिसीजन ट्री बनाना. ये है डिसीजन, चार नंबर मिलेगा इसे. हाँ जी बनाओ, पहला काम हो गया हमारा, इसको बोलते हैं डिसीजन. हाँ भाई, अरे यार यही है डिसीजन. हालांकि इसको ऐसे लिखता हूं, सीएफएटी फर्स्ट ईयर का, और ये सीएफएटी सेकेंड ईयर. ये देखो ये सब बनता है, ये फाइनल की बुक है, ये सब ये डिसीजन ट्री बोलते हैं. ठीक, खैर वो वहां पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ इतना सा है खत्म. वाओ सर मजा आ गया. अब ज्यादा डिजाइन बनाकर नहीं बना रहा हम, टाइम नहीं है हमारे पास, पता ज्यादा नंबर मिलने वाला तो थोड़ा अच्छा बना. हाँ फ्लो चार्ट ही तो है एक प्रकार. मतलब इंसल्ट. ओके अब सुनो ध्यान से. अच्छा बिजनेस चला, अच्छा तो बोलो क्या क्या आउटकम, बताओ क्या क्या आएगा अगर अच्छे से अच्छा. 30 और 30, पहले साल भी 30 आए और दूसरे साल भी 30 आए, अच्छा से अच्छा. बुरा से बुरा क्या होगा, 25 और 12. अब मैं कहता हूँ बुरा से बुरा में एनपीवी निकल के बताओ, निकाल सकते हो? पहले साल 25, दूसरे साल 12, और डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो 10% का जो फैक्टर है पहले साल का है 909 और दूसरे साल का है 0.826. अगर बुरा से बुरा हुआ तो बताओ एनपीवी क्या आएगा, निकल सकता है आराम से. प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं, वो बाद में सोचेंगे. मैं कहता हूँ बुरा से बुरा हुआ तो बस, तो 25,000 इंटू 0.909 और 12,000 इंटू 0.826 -40,000 7,300. ये कब का सिचुएशन है, अगर आउटकम बुरा आया. और ये एनपीवी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब आराम से सोचना. ये आ सकता है, ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी क्या, क्या चांसेस है कि इतना बुरा से बुरा आएगा. प्रोबेबिलिटी 0.4 और 0.2 प्लस या एवरेज या मल्टीप्लाई या डिवाइड, चार ही तो होता है. या माइनस, चलो मैं ना अभी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के चक्कर में नहीं हूं,
और थोड़ा सा आइडिया, प्रोबेबिलिटी बढ़ा होना है आपका, याद नहीं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि सीए का रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सीए का रिजल्ट क्या हो सकता है और उसमें आपके पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज प्लीज सुनो, आप पास तभी हो पाओगे जब पेपर इजी आएगा। अब मैं आपकी नहीं किसी और की बात कर रहा हूं, जब पेपर इजी, और पेपर इजी आने की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो पेपर इजी आने की प्रोबेबिलिटी है 50% और पेपर डिफिकल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 50%, आप तभी पास होंगे जब पेपर इजी आएगा। ठीक, यहां तक ठीक है। अब पेपर इजी आएगा लेकिन और एक शर्त है, तभी पास होगे जब पेपर की जो चेकिंग होगी वो भी इजी होगी। अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो आप फेल, और पेपर की चेकिंग इजी होने की प्रोबेबिलिटी है 50%, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट? 50, तो यही हो गया। और चेक होने की भी प्रोबेबिलिटी है 25%। बात समझने की कोशिश, 50 पहले तो 50 कट गया, बोले यहां पहुंचे, पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 50, और पेपर भी इजी चेक होना चाहिए तब पास होगे, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 25% यार आप समझ। तो क्या जब भी ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी, हाँ आ जाती है 0.4 और 0.2, तो ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8%। बस मैं ये समझा, मैंने कहा ना मैं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी में घुसना नहीं चाहता, सिंपल वे में समझता। That's it. मांगा क्या जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर बी, एनपीवी निकालो अगर वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, बुरा से बुरा निकाल लिया है, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, निकल सकता है 0.08। फिर क्या मांग रहा है, बेस्ट आउटकम्स और इस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो बेस्ट आउटकम का एनपीवी निकाल लेंगे और प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, लिखना पड़ेगा, चलो तो लिखे। सबसे पॉइंट नंबर बी कर रहा है, कौन सा आउटकम, वर्स्ट आउटकम, डिसीजन ट्री बना लिया ना सब लोगों ने, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, पहले चल कितना आएगा 25,000, इनटू 0.909, फिर कितना आएगा 12,000, माइनस कितने से करोगे 40 से, नेगेटिव, और इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 × 0.2, तो 0.08, अगर परसेंटेज में भी दिखाना है तो 8%। सर ये क्वेश्चन सीए फाइनल में 16 नंबर का, हाँ भाई इफ, पर उसके लिए आपको फाइनल में पहुंचना पड़ेगा।
एनपीवी कितना कितना आ सकता है? 30,000 909 प्लस 30,000 826 माइनस 40,000 12050 इस बात की प्रोबेबिलिटी भी ले लेते हैं 0.6 नहीं ना यार वही तो मैं बोल रहा हूँ 0.6 into 0.1 0.06 ऐसा दिखाना पड़ेगा ना कितना 3% हो गया यहाँ तक लास्ट वाला काम तो आप कर ही एक्सपर्ट हो इसमें बताइए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना पड़ेगा याद है एक्सपेक्टेड एनपीवी कल कर रहे थे एनपीवी दिया रहता था प्रोबेबिलिटी दिया रहता था तो एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो बस एनपीवी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट्स इट और कितना एनपीवी मैं सिर्फ वर्स्ट और बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं बाकी क्या टाइम पास के लिए दे रखे तो कितना एनपीवी निकालना पड़ेगा 6 अरे भाई 1 2 3 4 5 6 और प्रोबेबिलिटी भी निकालना पड़ेगा और फिर जब 6 एनपीवी निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा तो फिर एक्सपेक्टेड एनपीवी तो निकाल ही सकते आप सिर्फ इसके निकाल रहे थे कि नहीं आपको पूरा 6 एनपीवी निकालना और कोई शॉर्टकट है कि किसी के पास कोई कहना चाहता है कुछ मैं सुनने को और भी बहुत सारे शॉर्टकट है मैं नहीं करना चाहता नॉर्मल जो ICAI किया है वैसे हम तो कितना एनपीवी निकालना टोटल मिलाकर 6 तो निकल चुकी है 4 और निकालना है पर चलो पूरा एक टेबल में निकाल लेते ना टेंशन 16 नंबर ऐसे नहीं देने वाला है यार तो चलो काम करें कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी लास्ट टेबल में कर रहे हैं फटाफट से यही काम यहां आएगा सिनारियो 1 2 3 4 5 6 ठीक है यहां कैलकुलेशन कर लेंगे एनपी पीवी सीआई माइनस पीवी इतनी जगह में तो आ जाएगा तो यहां क्या निकलेगा एनपीवी और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से तो यहां जो टोटल आएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी तो सिनारियो या फिर केस लिख देंगे यहां जाएगा कैलकुलेशन यहां आ जाएगा एनपीवी तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से पहले निकाल चुके हैं पर फिर से निकाल पहले साल 25,000 इंटू 0.909 प्लस 12,000 इंटू 0.826 माइनस कितना किया था एनपीवी आया था 7363 नेगेटिव और उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.08 मल्टीप्लाई करके लिख देते एक्सपेक्टेड एनपीवी आ रहा एनपीवी आएगा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सबको जोड़ेंगे तो एक्सपेक्टेड एनपीवी
कितना 589.04। दूसरा कौन सा लेके चलेंगे, 25 और 16। पच्चीस हजार इंटू 0.909 प्लस 16,000 इंटू 0.826 माइनस 40,000 नेगेटिव, ये भी आ गया 4,04,4,059। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.12 कैसे आया बताया ना यार, 0.4 × 0.3 मल्टीप्लाई करके 487.0। थर्ड सिनारियो इंटू 0.909 प्लस 40,000 897.2 Fourth, 20,000 मुझे बताओगे कितना, 3790 प्रोबेबिलिटी, नहीं प्रोबेबिलिटी 0.5। नहीं आपको पॉइंट में ही लेना चाहिए। हो गया सर मैं समझ गई। 30,000 और सेकंड ये कौन सा कितना है, 2376.6 हाँ? और इसका कितना आया था 0.06। पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव,
कितना? ये मुझे याद है तो मैंने लिख दिया उठाकर, आपके बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। देखा क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है? यस, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना। ये मैं फाइनल में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे कि नेगेटिव एनपीवी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, आंसर चाहिए नेगेटिव एनपीवी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मांग रहा है आपसे, एक्सपेक्टेड वगैरह नहीं, नेगेटिव एनपीवी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पॉइंट टू, मैंने कुछ बोला काम है तो आंसर क्या जाएगा? पॉइंट टू, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ ऐड होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ में। अगर बाय चांस आ जाता कहीं लिख लो कि नेगेटिव एनपीवी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी, मांगा नहीं है क्वेश्चन में, पर आईसीएआई का क्या भरोसा है। ठीक, तो हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 71। बन जाएगा मुझे ऐसा लगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं। तो देखा जाए क्या हो चुका है, एक बार फिर से इंडेक्स में आओ, बेसिक्स, बेसिक्स के बाद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद रेज का अनसर्टेनिटी, उसके बाद क्या लिखवा, इन्फ्लेशन पहले, सबसे पहले करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक, अच्छा टॉपिक है इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लिखोगे सेंसिटिविटी, यहां से क्वेश्चन आते हैं आज का। बस ध्यान से समझना मेरी बात, दिक्कत नहीं होगी, किसी लिखना नहीं है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है 5 लाख रुपए, तो हर सीएफटी निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो यार सर सीएफटी कैसे निकालते हैं? सीएफटी निकालना आता है आपको, मान लो कि प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा, 5 साल, और हमने कहा चलो सीएफटी के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेल्स, और हमारा मानना है कि 10,000 यूनिट्स बेचेंगे और कितने के हिसाब से, 75 के हिसाब से, 10,000 इंटू 75 कितना होता है, 7,50,000। उसमें कुछ मटेरियल का भी खर्चा आएगा, 10,000 इंटू मान लो कोई भी रेट ले लेते 25, तो कितना जाएगा, 2,50,000, और लेबर भी निकालते हैं, और लेबर का मान लो कितने का खर्चा है, 1,00,000। ठीक, ये सब माइनस करते हैं, फिर क्या निकलता है हमारा, सी एफ बी टी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर टैक्स करते हैं, तो फाइनली फिर क्या आ जाता है हमारा, सी एफ ए टी, और सी एफ ए टी आ गया मान लो 80,000 रुपए। ठीक, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पी वी ए एफ लेते हैं, डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, और डिस्काउंटिंग रेट हमने 10% लिया, तो उससे पी वी सी आई आ गया, करना नहीं, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है,
पीवीसीआई आ गया मान लो 5,85,000। प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगाना है? 5,00,000 और पीवीसीआई है 5,85,000, तो एनपीवी बोलो 85,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में मत फंसना, ये तो कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? यहां तक क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? यस, यहां तक ठीक है। पर अब आपका मैनेजमेंट आपसे बोलेगा कि रुको रुको रुको, अब सुनो, आपके हिसाब से आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 10,000। कितने के हिसाब से? भगवान ना करे अगर 75 का नहीं बिका, कुछ भी हो सकता ना यार। और अगर ये बुरा सोचे, बुरा सोचना है आपको, बुरा सोचना आता है ना, 20 रुपए यार, इतना भी बुरा नहीं सोचना। मैं आपके एग्जाम के स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ 75 को चला बुरा सोचते हैं, बुरा मतलब बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। मान लो अगर ये 60 रुपए होता है तो बताओ एनपीवी में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मान लो ये कम हो गया और इसमें चेंज किया तो इसमें भी चेंज हुआ, और मान लो ये 10% से एनपीवी मेरा डाउन हो गया। एक फैक्टर सोचा, अब एक फैक्टर सोच के पता लगा एनपीवी में 10% डाउन हो गया। अब इसका भी बुरा सोचेंगे मटेरियल का, एक समय में एक फैक्टर चेंज करना, बुरा कैसे सोचोगे? 25 है, क्या हो सकता है? 30 हो गया। तो फिर हमने फिर वापस एनपीवी निकाला, एनपीवी क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना। और एनपीवी में भी फर्क पड़ गया और एनपीवी इस बार 15% से डाउन हो गया। कौन सा ज्यादा डेंजर दिख रहा है? इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया, इसमें भी, इसमें जब थोड़ा सा चेंज किया तो एनपीवी गिरा 10 से, इसमें चेंज किया मटेरियल एनपीवी गिरा 15 से, कौन सा ज्यादा खतरनाक दिख रहा है? लेबर पे तो पहुंची नहीं, मटेरियल, मटेरियल। तो भाई जाओ पता लगाओ कि मटेरियल इतने का मिल पाएगा कि नहीं मिल, फिर रिसर्च करो, और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ तो उसके बाद एनपी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का सोच। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या होता मालूम है? चेंज, अगर एक फैक्टर में चेंज करते हैं तो एनपीवी में कितने, बीटा बोलते हैं उसको, बीटा सुना है कभी ना? हाँ वही वाला बीटा है, मतलब एक फैक्टर में चेंज होने से दूसरे फैक्टर में कितना चेंज होगा। लेबर के विषय में क्या सोचोगे? बुरा, मतलब बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। उसके अलावा डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? बुरा सोचोगे तो बढ़ाना है कि कम करना है? बुरा। अभी मेरे उसको जो पैसा है, मेरा उम्मीद है कि 10% पे मिल जाएगा, पर अगर बुरा से बुरा होगा तो अरे भाई अब सोच नहीं पड़ रहा है। सुनो 10% अभी हमारा अनुमान है कि जो पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहा है ना 5,00,000 रुपए, वो बैंक से हमें 10% पे मिल जाएगा। हाँ यही तो बुरा सोचना है, बुरा नहीं सोच पा रहे, क्या हो गया? प्रोजेक्ट में पैसा कितना लग रहा है? भगवान अगर ये 5,00,000 नहीं लगा उससे लग गया। बस यही सोचना। कितने साल चलेगा? अगर ये 5 साल नहीं चल पाया, कम चलेगा तो ये सब, तो बार बार एनपीवी निकालेंगे, बस यही इसी का काम। हाँ बार बार निकालना पड़ेगा आपको, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रिटिकल फैक्टर है, और जो क्रिटिकल फैक्टर है उसमें आपको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक, सिंपल है। सारा चेंज एक साथ कर लेंगे, उसको बोलते, उसको सिनारियो एनालिसिस बोलते हैं। सिनारियो, सिनारियो नहीं, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक फैक्टर एक समय पे चेंज करना है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर अभी छोटे लेवल पे आपको अभी उतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। फाइनल में आप एक बार बताओ, सेलिंग प्राइस के कम होने से यूनिट्स में चेंज होगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस कम होगा, डिमांड, वो तो पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ, यूनिट से बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी उतना हमको करना ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी एनालिसिस में, हम लिख ले एक बार फिर काम करें। सेंसिटिविटी एनालिसिस मींस
this off. Various factors. A project. Like कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमने थोड़ा बहुत लिखा था, सेलिंग प्राइस, ऑफ प्रोडक्ट, और क्या लिख सकते, तो हमको पेज तो नहीं भरना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और क्या हो सकता है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और क्या बोला था हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और सबसे अच्छा मालूम है एक्सेप्ट, बाकी it is called what if, ये शब्द पढ़ा होगा कहीं ना, what if, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, what if analysis, इनसेंसिटिविटी एनालिसिस, सर वैसे ये इतना लिखवा क्यों रहे हो, कहानी हम समझ गए बेटे, इसका चार नंबर का थियोरी आता है लिखने के, शॉर्ट नोट ऑन सेंसिटिविटी, ठीक, इनसेंसिटिविटी एनालिसिस, वी चेंज ईच फैक्टर, of project in favorable direction ki unfavorable direction, unfavorable, hum har ek factor change karenge in unfavorable direction, keeping other factor constant, बाकी एक समय में एक फैक्टर चेंज करना, ये आपके लिए लिखवाया, बाकी फैक्टर्स को क्या करोगे, कॉन्स्टेंट, ठीक, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट क्रिटिकल फैक्टर, so that critical factor ढूंढेंगे, further research so that further research may carry out, about such factors, और ये काम कब करना है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के पहले, बाद में क्या करो, बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, बस इतना भी लिख दोगे तो उससे, अगर खुद से पढ़ोगे, पढ़ते ना बुक से, बाय चांस किसी की इच्छा होती ना यार, बुक से पढ़ेंगे थ्योरी तो ये संभाल नहीं पाते आप,
एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नहीं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन ही उठा रहे हैं, उस क्वेश्चन से ढंग से कर लेते हैं, आज की क्लास में शायद वही क्वेश्चन हो, ठीक, टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 75, बस यही क्वेश्चन, एक घंटा लगेगा कम से कम। नहीं नहीं लगेगा, पर हम लगा देंगे, देखो ना हमें। क्वेश्चन नंबर 75, पढ़ते क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट, आपको सेंसिटिविटी निकालना है और चेंज किस किस में करना है। तीन फैक्टर में सेंसिटिव, एक तो किस में, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसको चेंज करके देखेंगे, और किसको, एनुअल कैश इन, और किसको चेंज करके देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है, 1,20,000, बुरा से बुरा क्या होगा, 1,20,000 से ज्यादा लग सकता है। एनुअल कैश फ्लो कितना है, 45,000, बुरा से बुरा क्या होगा, कम। लाइफ कितने साल है, बुरा से बुरा, सोचना ही नहीं है, मांगा नहीं है, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10%, बुरा से बुरा बढ़ जाएगा, कितना बोला, 15। टू विच ऑफ द थ्री फैक्टर्स, कौन सा सबसे डेंजर फैक्टर है, ये बता। एनुअली फैक्टर दे रखा 10% को और 11%, ऐसा क्यों दिया यार। अच्छा, बुरा से बुरा मतलब 10% से 11 कर दिया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कितने परसेंट से, आप ऐसा कर सकते हो, यहां वैसे लिखा होना चाहिए, हर फैक्टर को हमें 10% से चेंज कर, 10% से, मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना, 1,20,000, उसको कितना 10% से बढ़ा दो, कितना जाएगा, 1,32,000। पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एनपीवी, तभी तो देखेंगे एनपीवी में कितना है। तो चलो काम करते, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी दिया रहेगा 100। मेथड नंबर, पहले एनपीवी निकालते, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो हर साल कितना पैसा आएगा, 45, जो दिया उसके हिसाब से कर लेते अभी, 45,000 इंटू 3.169 माइनस 22,605, अब सेंसिटिविटी निकाल रहा है, सबसे पहले किसमें निकालने का है, इनिशियल प्रोजेक्ट, और कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं इसको, 10% से बढ़ा रहे हैं। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना हो जाएगा फिर, $1,32,000, कैसे आया ये आपको पता है ना। एनपीवी फिर से निकालते हैं, $45,000 × 3.169 − $1,32,000 = 10,605। बोला एनपीवी डाउन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ये बताओ कितने परसेंटेज से डाउन हो,
पहले था एनपीवी 22,605, अब हो गया 10,605, तो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकल जाएगा। बावीस हजार छ सौ पांच माइनस 10,000 परसेंटेज निकाल रहा हूं डिवाइडेड बाय 22,605, पहले से कितना चेंज हुआ ना ये निकल 22। अब बोलते नहीं तो अच्छा लगता नहीं मुझको 22,600 कितना परसेंटेज आया 50.09% आंसर गलत है। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% लिखा हुआ है, ठीक कर लेना उसको बुक अगर आंसर लिखा होगा तो। अब किसमें करें प्रोजेक्ट कॉस्ट में भाई, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10% से बढ़ाते हैं तो एनपीवी गिरता है, और कितने से गिरता है 53.09। अब सेंसिटिविटी किस में करना है, अब करना हमको कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अनफेवरेबल। तो अब करते हैं हम लोग सेकेंड एनुअल कैश फ्लो, और इसको 10% से क्या करना है डाउन, 10% लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि 10%। अब फिर से मतलब अभी कितना है वैसे 45,000, चालीस हजार 500 एनपीवी निकलते हैं, 40,500 इंटू 3.169 माइनस 1/32 मत कर देना, 1,20,000 8,345 कर लेते, तो फिर एनपीवी गिरा, कितने परसेंटेज से गिरा आंसर देखकर नहीं बताना मतलब। अच्छा किससे कंपैरिजन करना, पहले वाले से 22,605 है ना, तो परसेंटेज चेंज इन एन, पहले था 22,605 इसमें से माइनस कितना करना है 8,325, अच्छा 45 डिवाइडेड बाय 22,605 इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आ गया 63.08%। वो बुक में गलत था ना, फाइनल तो मैं एक जमाने से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखते ही बता दूंगा कि ये गलती है। अभी सुनो, अभी तीसरा नहीं कर रहा, अभी दोनों के हिसाब से बताओ कौन सा क्रिटिकल दिख रहा है, ये वाला ना, क्योंकि इसमें भी एनपीवी डाउन हो रहा है, इसमें भी डाउन हो रहा, पर इसमें थोड़ा सा है और इसमें तो बहुत ज्यादा, तो मतलब यार इसको पता लगाओ, ये गड़बड़ हो सकता, थोड़ा सा भी हिला ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे एनपीवी डाउन। अब तीसरा कौन सा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी कितना है, इसको बढ़ाना है कितने परसेंट से, 10% को 10% से बढ़ाना है, मतलब 20 क्या लिखा है ना 11 सर, प्लीज टाइम पास मत करो आज, ठीक है। तो पहला थर्ड नंबर करते हैं और हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 11%, एनपीवी सीएफएडी कितना 45,000,
पीवी एफ बोलोगे 3.109 माइनस 120,000 एनपीवी कितना आ गया 19,905 चेंज इन एनपीवी 22,000 कितना आया था ओरिजिनल 605 माइनस 19,905 डिवाइडेड बाय 22,605 इंटू 100 11.9 ये भी गलत है इसको बैठे 11.9 क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होगा ये कितना आया था 11.9 तो लिखा है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा होगा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा होगा एनुअल बस वो लिख लीजिए मोस्ट सेंसिटिव इज एनुअल कैश फ्लो सेंसिटिविटी एनालिसिस की दो अप्रोच थी दो मेथड थी अभी किया था मेथड नंबर वन अब करेंगे मेथड नंबर टू और एक तरीके से किया मेथड नंबर टू मैंने पहले ही मेथड वन लिखाया था तो ही पूछ लेना था इससे क्यों लिखवा रहे हो मेथड नंबर टू ये थोड़ा सा टेक्निकल है एग्जाम में सर दोनों मेथड से बनाना है कि नहीं नहीं बताएगा क्वेश्चन कैसे करना है ठीक अब सुनो बड़े काम की चीज है ये अब समझना या मुझे साथ चाहिए आपको एनपीवी आ कितना रहा एनपीवी तो ऐसे भी निकालना वैसे भी एनपीवी कितना आ रहा था 22,605 हमें किस में सबसे पहले प्रोजेक्ट के कॉस्ट में निकालना है ठीक बुरा से बुरा क्या होगा कॉस्ट बढ़ेगा हम कितने परसेंटेज तक एक्सेप्ट कर सकते बढ़े तो बढ़ जाए अगर इसमें 1,000 रुपया भी बढ़ेगा तो भी हमारा एनपीवी पॉजिटिव ही आना है तो बोले तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा कब होगा जब एनपीवी रिजेक्ट करने की नौबत आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं बस प्रोजेक्ट को कॉस्ट को बढ़ाया जा सकता है बढ़ जाने तो पर किस किस लेवल तक कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है ताकि एनपीवी नेगेटिव नहीं आना चाहिए एनपीवी जीरो आएगा तो भी चलेगा हाँ मैं क्या कहना चाहता हूं बस ये समझने की कोशिश करो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो मैक्सिमम कितने रुपए तक मैं एक्सेप्ट कर सकता एनपीवी पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं जहां नेगेटिव स्टार्ट होगा तब दिक्कत है तो अब देखो मैं कैसे करवा रहा हूं आराम से सुना मैं कह रहा हूं यार कि एनपीवी निकालना है एनपीवी का फॉर्मूला क्या है पीवीसीआई माइनस और एनपीवी कितने तक एक्सेप्ट है जीरो एनुअल सीएफएटी कितना है 40 लिखना नहीं है मैं लिखूंगा 45,000 इंटू 3.169 और प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है एक्स वही तो निकाल रहा हूं तो निकाल सकता है क्या 1,42,605 अभी प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है 120 अगर 1,30,000 होगा तो भी चलेगा क्या यस 140 पे भी चलेगा पर 1,42,605 तक चल जाएगा पर उससे बड़ा तो डेंजर मतलब यार ये बढ़ाया जा सकता कितने परसेंटेज तक परसेंटेज निकाल सकते
142605 माइनस क्या करोगे 120000 है ना यार, 120000 डिवाइड किससे करोगे 120000 इनटू 100 कितना आया था 18.83% ऐसा ले लिया मन से, ठीक है मैं करवाऊंगा। एक तो ये हो गया, ऐसे कैश फ्लो क्या कमाएगा तो चलेगा हाँ, पर किस लेवल तक कम कर सकते ऐसा कुछ निकालेंगे, किस लेवल तक कम कर सकते ऐसा कुछ निकालेंगे अभी करेंगे। और मैं मन से बोल रहा हूं ये आया 20% कौन सा क्रिटिकल, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है हाँ, कितने परसेंट तक 18 चलेगा, इसको कम किया जा सकता है कितने परसेंट तक 20 कौन सा क्रिटिकल है दिमाग चलाओ, हे भगवान ये बढ़ भी जाए तो दिक्कत नहीं, कितने रुपए तक 18% तक भी बढ़े तो कोई समस्या नहीं, ये गिरेगा तो 20% तक तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा क्रिटिकल दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा मतलब प्रोजेक्ट खत्म, कौन सा वाला ज्यादा सेंसिटिव है ये वाला, क्या इसको मूवमेंट हो सकता फ्लक्चुएशन यस, कितने परसेंट तक एक्सेप्ट है 20 और ये सिर्फ 18 तो ये ज्यादा क्रिटिकल हो गए, ठीक है इसमें थोड़ा सा उल्टा चले, चलो आओ करें ये भी एक अप्रोच। तो सबसे पहला काम किस में कर रहे हैं हम लोग, पहले एनपीवी तो आपका निकला हुआ है वो एनपीवी लिख लेते, एनपीवी इज इक्वल टू 22605। अब हम सबसे पहला जो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट के इनिशियल कॉस्ट, जिसमें का करना होता उसको एक्स लेकर काम करना, एनपीवी जीरो रखना और उसको एक्स लेना, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, और जिसका निकालना उसको क्या ले लेते हैं हम लोग एक्स, एक्स तो निकालते हैं एनपीवी, एनपीवी क्या रखना है जीरो ना यार, तो जीरो लिख दूं सीधा 45,000 इंटू 3.169 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 142605, परसेंटेज निकाल देते हैं सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, वन फोर टू सिक्स जीरो फाइव माइनस 120,000 डिवाइडेड बाय, यहां क्या आ जाएगा बेस 120,000 इंटू 18.83%, ठीक है अल्टरनेटिव, ये 18.83 निकालने का भी एक अल्टरनेटिव है, और वो कैसे निकाला जाता, हाँ 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 बिल्कुल सेंसिटिव, उन्होंने कहा फॉर्मूला लगा लो ना भाई, ऊपर तो हमेशा एनपीवी आएगा और नीचे जिसमें निकालना है, निकालना किसमें था इस बार कॉस्ट ऑफ, तो नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर लो, एनपीवी कितना था यार, सर ये वो टाइम पास नहीं कर रहे कि ये तो डिफरेंस लिखा है आपने, डिवाइडेड बाय 120,000 इंटू 100 आंसर उतना ही आएगा, पर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है जरूरत पड़ी तो काम आएगा, एनपीवी ऊपर ही रहेगा नीचे जिसमें भी निकालना रहे, अगर कैश फ्लो में निकाल रहा है तो कैश इनफ्लो नीचे आ जाएगा सिंपल, पर ज्यादा लॉजिकल ये है ये जो मैंने करवाया, ठीक है अभी
पहला काम तो हो गया, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में निकाला तो वो आया 18.83%। अभी किस में निकालेंगे भाई? कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो को क्या मानेंगे? एक्स, वो ज्यादा अच्छा। एनपी भी रखना है जीरो, एक्स इंटू 3.169 माइनस कितना करेंगे भाई? 120,000, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मैथ्स आता है ना आपको? 37 इसका सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं। पहले कितना था? 45,000 माइनस, गलत है कि 37687 है कि 867 सही है ना? डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 45 एक परसेंटेज बोलो, 15.85। उसमें भी आंसर यही आ रहा है। हाँ, क्या किया था? 22,605, ठीक है, 3.169, ठीक है, 7133, ठीक है, 7133, इतना फ्लक्चुएट कर सकते हो 45,000 पे। डिवाइड करने का मतलब है आपने एनुअल एनपीवी निकाला, इतना एनपीवी एनुअल आ गया और 45,000 पे मतलब परसेंटेज में निकाला। हाँ, यहाँ पे भी एनपीवी को बेस ले सकते, चलो वो भी लिखवा ही देता हूँ। फॉर्मूला सेंसिटिविटी का एनपीवी को बेस लेके फॉर्मूला था। मैंने कहा यार ऊपर लिख लेना एनपीवी और सेंसिटिविटी किसमें निकालना है हमको? हाँ, पीवीसीआई में, कैश इनफ्लो में ना। एनपीवी कितना है? 22,605। पीवीसीआई कितना आया था यार? 45,000 इंटू 3.169, 45,000 इंटू 3.169, 142 into 100 यही आएगा। अल्टीमेटली आपने भी ये किया, 22,605 डिवाइडेड बाय वो किया, फिर डिवाइडेड बाय एक ही बात। ऐसा है कि एनपीवी ऊपर लिखा, इसमें निकालना था कैश फ्लो में, तो कैश इनफ्लो पूरा लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 45 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या तो फिर इसको आपको इक्वल एनुअल करना पड़ेगा जैसे उन्होंने किया था वैसे करेंगे, और अगर समझ में ना आए तो एक्स लीजिए। ठीक, और कुछ बचा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है अभी? 10। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या ले? एनपीवी 0 आ जाए,
ज्यादा लेंगे है ना एनपीवी यार, ऐसा कुछ ना ऐसा कहीं ये सेंटेंस पढ़ा था हमने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या ले कि एनपीवी जीरो आ जाए, ऐसा कहीं पढ़ा है कहीं ना? हाँ बार बार कुछ नाम था उसका यार, ट्रायल एंड एरर मेथड से एक बार आईआरआर, तो आईआरआर ही निकालना है। ओह वही तो है कि यार क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके एनपीवी जीरो आ जाए। सेंसिटिविटी इन सीओसी ठीक है चलो। ऐसा क्या ले रेट कि एनपीवी जीरो आ जाए, 11% से जीरो आ जाएगा, नेगेटिव आ गया क्या? एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। 15 ले लेते हैं, 10 पे तो हमको मालूम है, 15 से काम करते हैं, वही तो कर रहे हैं, आईआरआर ही निकालना है। चलो तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना ले लें, 15 ठीक, तो कितना है आप 45,000, 15% का फैक्टर बोलो, 3 2.855 माइनस कितना कर देंगे 1,20,000, तो एनपीवी नेगेटिव आ गया। हाँ कितना आया वो बताओ, 847। ये कोई हम पहली बार फेस नहीं कर रहे, ये तो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं कि यार पॉजिटिव आ गया तो फिर अगला रेट, अगला कौन सा रेट ले ले, 20 ले ले। हाँ हाँ निकाल कर देख लो, उसमें भी पॉजिटिव आ रहा तो फिर और ज्यादा ले लेंगे, पॉजिटिव आ गया, 20 ही ले लेते हैं ना यार, सीओसी कितना ले लेते हैं 20%, माइनस 1,20,000, 3,495 माइनस 15% पर एनपीवी आ गया 8,475 और 20% पे एनपीवी आ गया नेगेटिव 3,495 और हमें चाहिए एनपीवी कितना जीरो। तो जैसे ही हम रेट को 5% से बढ़ाते हैं एनपीवी में चेंज हो जाता है, ग्यारह 11,970 और हमें चेंज कितना करना है 8,475 तो डिस्काउंटिंग 15 तो आएगा 5 के लिए 11,970 8,475 के लिए कितना 18.54 तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना अभी 10 कितना बढ़ा सकते हो 18.54 तो सेंसिटिविटी निकाल लेते कौन सा क्रिटिकल है? एक तो 15.85 आया था
और एक कौन सा आया था हमारा 18.83 और एक 85। क्या इसको इसमें 10-15 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज्यादा, तो चल चल जाएगा यार, 10 से 11 होगा, 12 होगा, और उससे ज्यादा क्या होगा। इसमें जो है इसमें भी कितने परसेंट का चेंज किया जा सकता है, 18, और इसमें 15, तो ये ज्यादा डेंजर हो गए। तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, एनुअल कैश। हाँ बस बस हमारा काम है फाइंड आउट करना क्रिटिकल फैक्टर। एग्जाम में बताएगा कि कौन सा मेथड यूज, एग्जाम में बताएगा, वो आपको बताएगा कि यार ऐसा करो सेंसिटिव ताकि एनपीवी जीरो रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर वो बता देगा कि 10% से हर एक फैक्टर को चेंज करना, दोनों चीज क्लियर कट रहेगा बिल्कुल निश्चित। सर मान लो नहीं रहा तो जो आपको इजी पड़ रहा, फिर तो कुछ ऑप्शन नहीं, कौन सा ज्यादा इजी लग रहा था, सबकी अपनी अपनी सोच। हालांकि ICAI पक्का बताएगा कि कैसे कर, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देखे तो यार, क्या ये एग्जाम आपके ICAI का क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने उठाकर दिया कहीं और से, ठीक है। तो सर हमको इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बताइए कैसे, अच्छा एग्जाम वाला क्वेश्चन करोगे। हाँ ये तो है नवंबर 2018 देखते हैं क्या क्या मांगा, वैसे क्वेश्चन देखा देखा लगेगा आपको। ठीक है किस किस चीज में मांगा है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दे दिया, ये भी दे दिया, लाइफ लाइफ 5 साल लिख लेना भाई, लाइफ भी उड़ा दिया है 5 साल। इंस्टीट्यूट की तरफ से गड़बड़ नहीं है, मेरी तरफ से ये 5 साल लिखना भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% विच ऑफ द थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर में आपको सेंसिटिविटी क्या लिखा है, इफ द वेरिएबल इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय 10%, कौन सा अप्रोच, पहला वाला, कुछ नहीं सिंपल कर लोगे इसको। हाँ होमवर्क दे रहा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था मई 2022 में, ये क्वेश्चन तो बनाएंगे पक्का। ए लिमिटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, पैसा कितना लग रहा है, 1,00,000, पहले साल 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, फिर 60,000, लाइफ कितना है 400, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, लिखा है सेंसिटिविटी निकालना है, किस किस में निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और किस में निकालना है, एनुअल कैश है ये, कैश इनफ्लो। समस्या क्या है, क्या हमारे पास शॉर्ट, और क्या बोला एनपीवी क्या रखना है, जीरो, और यहाँ फैक्टर दे रखा है, हालांकि पांचवें साल का सिर्फ एक ही स्टूडेंट के लिए दिया होगा, बाकी तो आपको आप लोग समझ कैसे जाते इतने जल्दी। आपको क्या करना है, सबसे पहला क्या है, एनपीवी निकालना, तो चलो एनपीवी निकालते, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, आप मैं थका हुआ हूँ, आप एनपीवी निकाल रहे हैं, ठीक है, कैसे निकालते पता है ना कैसे, एक्स, हाँ एक्स मान के नहीं, अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 मैं समझ रहा हूँ, इसलिए ना मैं लास्ट सैटरडे भी ना मॉर्निंग क्लास नहीं रखने वाला था, पर मैं बोला भी था कि यार इवनिंग में ही ठीक रहती है। सबसे पहला काम है एनपीवी निकाल लेते हैं, पहले साल कितना 30,000 इंटू
10% है, अच्छा फैक्टर दिया 0.909 प्लस 40,000 इंटू 0.826 प्लस 50,000 इंटू 0.751 प्लस 60,000 इंटू 0.683 माइनस क्या कर दोगे 100,000 एनपीवी कितना आ गया 38,000 ऐसे नहीं ना यार ये तो दिक्कत है ये बताओ इसका पीवी से 100,000 वन कोई बताएगा यार 138 आज यार आज बनता है आज तो सीढ़े है ना यार तो सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एनपीवी कितना निकला हमारा 3,840 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था 100,000 इंटू 100 तो 38.84% कोई एक्स वैक्स के चक्कर में तो नहीं है ना सेंसिटिविटी इन एनुअल कैश इनफ्लो sensitivity is NPV divided by present value cash inflow NPV is 38840 divided by 138840 into 100 so 27.97% ठीक है उस दोनों में से कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है बस ये लिख देना most sensitive variable is annual cash inflows और institute ने भी ना x लेकर नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि x लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या फिर इसको x फिर बढ़ा के 1.1 फिर ये कितने से बढ़ा टाइम्स में लेना पड़ेगा तो अभी आप उसके लायक नहीं हो जब फाइनल में आ जाओगे तो सारी बातें हो जाएगी कि फाइनल में इसको इसमें भी किया जा सकता है x लेकर लेकिन सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आया था तो उसी तरह से हम इज्जत देंगे जितना नंबर उतनी इज्जत ठीक है
क्वेश्चन नंबर 73 हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, क्या आपको दोनों क्वेश्चन से पता लग रहा कि कौन सी अप्रोच से करना है? यस। इसमें बोला है एनपीवी जीरो रखना और उसमें बोला 10% से अनफेवरेबल चेंज करना। और कुछ है नहीं आज की क्लास में, बस इतना ही था। और कौन से क्वेश्चन में? अच्छा, इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकल। हाँ हाँ, तो वही तो किया मैंने। नहीं वो तब नहीं निकले। हाँ हाँ, क्योंकि अलग अलग फैक्टर नहीं निकले। हाँ, तो आज की क्लास यहाँ रोक रहे हैं। सेंसिटिविटी का और कोई क्वेश्चन है क्या? बहुत बड़ा दिख रहा है क्या? वो सेंसिटिविटी का नहीं, वो एडजस्टेड एनपीवी करके उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो हम एक बार कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके साथ साथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 बचा है क्या? नहीं, 47 रोका है मैंने। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 47 और 52 एक जैसा है। 47 और 52 एक जैसा है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, दो, ये दोनों क्वेश्चन रुके हुए हैं, और पीछे दो तीन क्वेश्चन हैं जिसमें एनपीवी वर्सेस आईआरआर करके कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ मैंने कौन सा क्वेश्चन 72 ये नहीं बनवा रहा हूँ, बाकी 73-74 होमवर्क दे दिया था इसमें से। अब हमारे जो टॉपिक है वो देखा जाए तो एक कैपिटल राशनिंग बचा हुआ है। अच्छा, लीजिंग करके दिख रहा है, लीजिंग क्वेश्चन नंबर 72, 79 और 80 ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दीजिए, लीजिंग नहीं। और बाय चांस किसी का दिल कर रहा नॉलेज लेने के लिए तो मेरा यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ देख लेना, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या बचा हमारा? इन्फ्लेशन, और फिर कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो दो ही टॉपिक बचा हुआ है, एक कैपिटल राशनिंग और एक इन्फ्लेशन। ठीक है, कल का टाइमिंग क्या रहे? कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को वही 3 बजे मिलते हैं, ठीक।